राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। क्या आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो फिर आज के इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, इसको हमने ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल में चले जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन वाले में चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट सेंटर में चले जाना है। इसमें जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का जो लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीएक्टिव और डिलेक्शन अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोफाइल जो भी रहेगा वो प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दूसरा भी प्रोफाइल रहेगा तो वो भी प्रोफाइल आ जाएगा, जिस नंबर पे या जिस ईमेल आईडी पे बनाए रहेंगे सारा प्रोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास एक ही है तो हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्टिव अकाउंट, ठीक है। यहाँ से टेम्प्रोरी और नीचे है परमानेंटली, ये परमानेंटली है और ये टेम्प्रोरी है। तो हमें यहाँ से हमेशा के लिए अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, और टेम्प्रोरी करना है तो इस पर कर देंगे। तो हमें यहाँ पे टेम्प्रोरी नहीं करना है, परमानेंटली करना है, तो हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट को डीएक्टिव करने के लिए रीज़न मांग रहा है, जो किस रीज़न से हम डिलीट करना चाह रहे हैं या, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी रीज़न दे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि नीचे वाला पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, जो भी पासवर्ड रहेगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो देख सकते हैं। कन्फर्मेशन परमानेंट अकाउंट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है, वो भी परमानेंटली। आप भी इसी तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।